हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हमारे YouTube वीडियोस पे अक्सर कुछ बच्चों का कमेंट्स आते रहता है और उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट्स रहता है, जो क्वेश्चंस रहता है, उसका जो आंसर होता है वो हमारे लिए देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि आज का ये जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि 2021 का जो सेशन है, तो क्या ये जो सेशन है इसको जीरो एकेडमिक ईयर घोषित कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि 2021 सेशन को जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर कर दिया गया है। जबकि बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं, अभी तक कहीं पर भी ऐसा कहीं भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। यहाँ तक कि किसी भी न्यूज़पेपर में भी, किसी भी न्यूज़ में अभी तक नहीं दिखाया गया है कि 2021 के सेशन को जीरो ईयर डिक्लेयर कर दिया गया हो। अब पता नहीं आपको ये वीडियोस कहाँ मिली, अगर आपके पास होगा तो प्लीज़ आप मुझे वो सेंड करें, ताकि मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर आपको ये चीज़ कहाँ से पता चला कि 2021 के सेशन को जीरो एकेडमिक ईयर घोषित कर दिया गया है। और दूसरी बात बच्चों, कि जीरो एकेडमिक ईयर घोषित नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि घोषित किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा कि 2021 सेशन जो 21 में बोर्ड एग्जाम होगा तो ये हम लोग का एग्जाम होगा ही नहीं। कहने का मतलब तो यही है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, अगर जीरो एकेडमिक ईयर घोषित होता है, इसका मतलब क्या है कि एक साल तक स्कूल एक भी रुपया नहीं कमाएगा, मतलब पेमेंट उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर स्कूल को पेमेंट नहीं मिलता है तो टीचर को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि आपको पता ही होगा कि कई सारे स्कूलों में अभी जो पेमेंट है, पैसे हैं, वो लिया जा चुका है फीस, ठीक है। फीस अभी तक बहुत सारे स्कूलों में लिया जा चुका है, हालांकि अब कुछ स्कूलों ने जो है माफ भी कर दिया है 3 महीने का फी। कुछ स्कूल जो ऐसे हैं जो कि नहीं मान रहे हैं, फी माफी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो और एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूंगा कि जीरो एकेडमिक ईयर इसलिए भी घोषित नहीं किया जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे 11th का भी पढ़ाई भी चल रहा है, ठीक है। उन लोग का क्लास स्टार्ट भी हो चुका है, एडमिशन तक हो चुका है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे एडमिशन भी लिया जा चुका है 11th में, 12th का काफी हद तक पढ़ाई हो चुका है, पीरियडिक टेस्ट हो चुका है, तो ये सारे कैंसिल नहीं हो सकते। सेकेंडली, कि जिन बच्चों का 11th में रजिस्ट्रेशन हुआ है, 9th में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उनका फिर क्या होगा, क्या बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा, नहीं होगा तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा ना। तो ऐसी कई सारी वजह है जिससे कि हम कह सकते हैं कि जीरो एकेडमिक ईयर घोषित कर पाना पॉसिबल नहीं है। और सेकेंडली, मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि किसी भी कारणवश जीरो एकेडमिक ईयर घोषित हो भी जाता है, डिक्लेयर कर भी जाता है, तो इससे स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा लॉस है। ये लॉस में भी कभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये लॉस आप लोग को आगे चल के जरूर समझ में आएगा। आप कभी ये इमेजिन करो, कभी आप सोच सकते हो कि मैं एक साल पीछे चला जाऊं। जैसे आप अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल समझो, अभी आप 9th क्लास से 10th क्लास गए हो, लेकिन आप अगर फेल हो जाते तो क्या रहता होता, 9th क्लास में ही रह जाते। तो कभी आप चाहोगे कि आप फेल हो जाओ, आप ये चीज कभी नहीं चाहोगे। अब एक साल रुकने का मतलब क्या है कि हम एक साल फिर पीछे ही रह गए, वो तो बैक हम लोग का लग गया एक तरह से, हम लोग ये समझेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम एक साल पीछे चले जाए। इसका अभी हम लोग को नुकसान नहीं समझ में आएगा, ये नुकसान तब समझ में हम लोग आता है जब हम लोग की एज आगे धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब आपका जब जॉब होने का समय रहेगा तो उस टाइम आपका एज मैटर करने लगेगा, तो उस टाइम हमें समझ में आता है कि एक साल जो मेरा समय गया वो मेरा बर्बाद चला गया। समय बर्बाद होना बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से जीरो एकेडमिक ईयर घोषित नहीं किया जाना चाहिए। और जिस भी जगह पे ये दिखाया जा रहा है कि जीरो एकेडमिक ईयर घोषित कर दिया गया है, तो आपसे निवेदन है कि आप जरूर उन वीडियोज को हमारी यूट्यूब वीडियोज पे, ये वीडियोस पे आप लोग कमेंट बॉक्स में वो लिंक आप हमें शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आखिर ऐसा कहाँ दिखाया गया है, क्योंकि अभी तक फिलहाल मैंने ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा है। आपको अगर मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में वो वीडियो जरूर शेयर करें। और भी अगर कुछ प्रश्न होगा तो आप कमेंट करें, आपको इसी तरह से बताया जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट कमेंट्स होगा, जो भी कुछ जरूरी क्वेश्चन होगा, उसको मैं पॉइंट आउट करता हूँ और जाता, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट्स फेक न्यूज देख के उसके अनुसार अपनी तैयारी को करे। और अभी क्या होगा, अभी जैसे मान के चलो कि ऐसा होता है कि जैसे कहीं पर भी ये बता दिया गया कि जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर कर दिया गया, अब वे बच्चे क्या करेंगे, अरे अब तो एग्जाम होगा ही।
तो वे बच्चे अब आगे चल के पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, तो इससे नुकसान उनका होगा, जबकि ऐसा अभी तक कहीं पर कुछ बताया नहीं गया है, तो नुकसान उनका होगा। फिर अचानक से जब पढ़ाई स्टार्ट होगा, एग्जामिनेशन आने लगेगा, तो इससे फिर उनका नुकसान हो जाएगा, फिर वे पढ़ नहीं पाएंगे। और अभी से अगर पढ़ते रहेंगे तो आगे चल के ईजी पड़ेगा, एक ही बार में हम इतना सारा अगर हमारे सामने आ जाएगा खाने के लिए, तो क्या इतना सारा हम एक ही बार खा सकते हैं? नहीं, लेकिन कम 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 करके हम खाते हैं तो हम लोग बहुत सारा खा सकते हैं। तो सेम वही चीज़ है हम लोग का यहाँ पे पढ़ाई को लेके, ठीक है, अगर आप कम कम लेके आप कोई भी चीज़ को लेते हैं तो एक ही बार वो चीज़ हो, क्या होता है कि हमें जो होता है बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन एक ही बार अगर आप बहुत सारा लेने का कोशिश करोगे तो वो फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी अगर कुछ प्रश्न होगा कमेंट करें, और वो वीडियो प्लीज आप मुझे जरूर भेज दें कमेंट बॉक्स।